अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। डियर स्टूडेंट्स, रिसाइट दुआ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज SST क्लास ऑफ ग्रेड 2। इन यूनिट 1, व्हाट डिड यू लर्न इन प्रीवियस लेक्चर? गुड, यू लर्न अबाउट योर सेल्फ। क्या क्या लर्न किया था हमने? हमने लर्न किया था अपनी फेवरेट चीजों के बारे में, फेवरेट गेम्स के बारे में, फेवरेट फूड्स के बारे में, फेवरेट कलर्स के बारे में, और क्या क्या लर्न किया था हमने अपने बारे में? बहुत कुछ लर्न किया था और साथ में एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की थी? बास्केट एक्टिविटी। गुड। तो मैंने आपसे कहा था कि आप बास्केट एक्टिविटी परफॉर्म करें, वीडियो बनाएं और मुझे सेंड करें। क्या वो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की? डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक, ओपन योर बुक। Take your pencils, sharp your pencil, your work should be neat and clean. Lesson 1, facts about myself. आपने अपने बारे में लिखना है। Here I am, my name is, मेरा नाम है। उसके बाद आपके पास blank है, आपने उसे फिल करना है। जैसे कि मेरा नाम है आमना, तो मैं क्या लिखूंगी? माई नेम इज, और इस ब्लैंक में क्या लिखूंगी? आमना। तो आपने यहां पे अपना नाम लिखना है। जैसे फातिमा है, तो आपने फातिमा लिखना है। अबान ने अपना नाम लिखना है। सबने अपना अपना यहाँ पे नाम लिखना है, सही है? गुड। I am dash years old. मैं dash years old का हूँ या हूँ की हूँ। आपकी क्या एज है? 7 years की हैं, 8 की हैं, 9 की हैं, कितने years के हैं आप लोग? तो जितने भी years के हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। I was born on, मैं कब पैदा हुआ या मैं कब पैदा हुई? जी, तो वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, माय फेवरेट फूड इज, मेरा पसंदीदा फूड कौन सा है? आपके घर में कितने ज्यादा खाने बनते हैं? ज्यादा सारे खाने बनते हैं ना आपके घर, जैसे बिरयानी, माइक्रोनीज, नूडल्स, ऐसे ही है। बहुत सारे खाने बनते हैं, लेकिन हमें उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमें पसंद होते हैं। और हमें कौन सा फूड खाना चाहिए? हेल्दी फूड। क्योंकि अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? जल्दी ग्रो करेंगे। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? कुछ बच्चों के नूडल्स होंगे, कुछ की मैक्रोनी होंगी, राइस होंगे। जो भी फूड आप लोगों को पसंद है वो आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, माय फेवरेट कलर इज, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं हर एक का कोई ना कोई कलर होता है, और आपको वो चीज़ आपकी फेवरेट कलर की वजह से पसंद होती है। तो आपको कौन सा कलर पसंद है?
मेरा फेवरेट कलर तो येलो है। आपका? तो आपने यहाँ पे लिखना है माई फेवरेट कलर इज, जो भी आपको पसंद है। जैसे मुझे येलो पसंद है, मैंने आपको बताया है ना, तो मैं येलो लिखूंगी। आपने क्या लिखना है? जिसको पिंक पसंद है वो पिंक लिखेंगे, जिनको ऑरेंज पसंद है, अबान आपको ऑरेंज पसंद है ना, और फातिमा को पिंक पसंद है, इसी तरह आर्या को ब्लैक पसंद है। तो जिसको जो कलर पसंद है ना, वो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे। और आपकी राइटिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए। माय हाउस एड्रेस इज, जहाँ आप रहते हैं आप उसको घर का पता कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, तो वो आपने लिखना है। इन दो लाइंस में आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है। गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज माय फोन नंबर इज। फोन नंबर क्या है? आपके पास तो मोबाइल नहीं होगा, आपके मामा पापा के पास मोबाइल होगा, तो आप अपने मामा पापा से पूछकर यहाँ पर इस जगह पर अपना फोन नंबर लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को तो अपने मामा पापा का नंबर याद भी होगा, लेकिन सबको तो याद नहीं होगा ना। तो आपने अपने मामा का या अपने बाबा का फोन नंबर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज माई स्कूल नेम इज। आपका स्कूल कौन सा है? दारेरकम। स्कूल में मज़ा आता है आप लोगों को? हम डेली स्कूल जाते थे, नई नई चीज़ें लर्न करते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, ऐसा ही था ना? स्विंग्स पे जाते थे आप लोग, न्यू न्यू कार्टून्स देखते थे और अपने फैलोज के साथ प्ले करते थे। तो आपने अभी भी घर रहना है, अपने मामा पापा को तंग नहीं करना, सही है? उनको तंग बिल्कुल नहीं करना, और बहुत ही अच्छा काम करना है, बहुत प्यारा काम करना है। जो थोड़ी सी मिस्टेक हो या थोड़ी सी पैथेटिक राइटिंग हो जाए, आपने रेज करके दोबारा लिखना है, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपकी राइटिंग वैसी ही प्यारी प्यारी हो और ज़्यादा अच्छी हो गई हो, सही है? फिर मैं आपको शाइनिंग स्टार दूंगी, आपको असेंबली में डिफरेंट बैजेस मिलेंगे। तो क्या आप बैजेस चाहते हैं? और अपने हैंड्स बार बार वॉश करने हैं, बाहर नहीं जाना। आपको पता है ना ये छुट्टियाँ क्यों हुई हुई हैं, हम क्यों घर बैठे हुए हैं, कितना हम इंजॉय करते थे स्कूल में, लेकिन अब हमें घर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब हमने क्या करना है? हैंड्स वॉश करने हैं और बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस वायरस को ख़त्म कर दें। ओके, अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। माई स्कूल नेम इज दारेरकम। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? अपने स्कूल का नाम लिखना है। आई एम इन क्लास। आप सब लोग क्लास टू में हैं, तो आप लोगों ने लिखना है आई एम इन क्लास टू। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज। हम तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं, SST पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं, जिसमें हम न्यू न्यू चीज़ें लर्न करते हैं। और आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे तो साइंस पसंद है, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और कितना इन्जॉय करते हैं ना। किसी को मैथ पसंद होगा, किसी को इस्लामियात। इस्लामियात में भी हम सब कुछ इस्लामिक स्टोरीज पढ़ते हैं जी। तो आपने यहाँ पर अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नेम लिखना है। नेक्स्ट इज माय बेस्ट फ्रेंड इज। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं बताएं? वैसे तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं आपकी क्लास में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आपके फेलो हैं, और जो भी आपके साथ पढ़ते हैं वो आपके फेलो हैं, बहन भाई हैं। लेकिन कोई होता है ना जो हमें हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है और हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है?
फातिमा की तो आर्या फ्रेंड है ना, और आबान के रायान। जैसे हया की ऐशा बेस्ट फ्रेंड है। तो आप सब अपना अपना बेस्ट फ्रेंड बताएं। गुड, नाउ राइट हियर योर बेस्ट फ्रेंड नेम। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ माई कंट्री इज, आपकी कंट्री का क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के फ्लैग में कौन कौन से कलर्स हैं? टू कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट। गुड, आपको अपने मुल्क से प्यार है? यस। तो आप अच्छा अच्छा पढ़ें ताकि आप बड़े होकर कुछ अच्छा बन जाएं, जैसे डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज करें, टीचर बन के स्टूडेंट्स को न्यू न्यू चीज़ें लर्न करवाएं, इंजीनियर बन के डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाएं, पुलिसमैन बन के सबकी हिफाजत करें, और आर्मी बन जाएं। आर्मी मैन में भी आप सबको, मुल्क को की हिफाजत कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? इसके अलावा जितने भी प्रोफेशन हैं, किसी में भी जाकर आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो आपको क्या बनना है? किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा। आपको जो भी बनना है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छा अच्छा पढ़ें और बड़े होकर कुछ बन सकें और अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। तो क्या लिखेंगे? माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान। लास्ट स्टेटमेंट इज आई लाइक टू प्ले डैश, मुझे डैश खेलना पसंद है। डिफरेंट गेम्स होती है ना, जैसे कुछ लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं, कुछ हाइड एंड सीक खेलना पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और कुछ बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। ऐसा ही है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? आपको क्या खेलना पसंद है? मुझे तो टग ऑफ वॉर खेलना पसंद है। हमने वन क्लास में पढ़ा था ना इसके बारे में, पुश एंड पुल के चैप्टर में। तो वो किस किस को पसंद है? हमने खेला भी था, एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। तो आपको जो भी गेम पसंद है आपने वो इस जगह पे लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसी गेम्स खेला करें जिससे आपकी फिजिकली ग्रोथ हो, लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, जिससे आप भाग दौड़ सकें। क्योंकि जब आप भागेंगे दौड़ेंगे तो आपका फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा और फिर आपको ज़्यादा भूख लगेगी और फिर आप दोबारा खाएंगे और फिर आप जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। आप जल्दी ग्रो करेंगे और ज़्यादा स्टडी करेंगे तो ही बड़े आदमी बनेंगे ना। गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं ना, जैसे कि आपकी क्लास में ही आपके कितने ज़्यादा फेलोज़ हैं। तो हर एक में अलग से एक क्वालिटी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। कुछ लोग बहुत नॉटी होते हैं, शरारतें करते हैं। कुछ लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत प्यारी प्यारी मज़े की बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पोलाइट होते हैं, आराम आराम से बातें करते हैं, जैसे फातिमा। और कुछ बच्चे बहुत हार्ड वर्क होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि अबान। तो हर एक में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी होती है और हम उनकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? तो अब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और उसमें अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वर्ड्स चूज करेंगे और लिखेंगे। इट्स अ प्रोजेक्ट एंड लाइक अ गेम। डू यू वॉन्ट टू प्ले विद मी? यस, ओके।
ओपन पेज 4। आपके पास यहाँ पर इस पेज पे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना। सबसे फर्स्ट कॉलम है हमारे पास रिटर्न का। 3 कॉलम्स हैं, एक है रिटर्न, ओरल एंड विजुअल। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, रीड करें। सेलेक्ट एंड राइट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिएंगे हैं, ये नीचे आपके पास वर्ड्स हैं, आपने इनको इनमें से सेलेक्ट करना है अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली और उनको यहाँ पर वन बाय वन राइट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड रीडर, शार्प, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं रीडिंग में, इनका दिल करता है हम हर वक्त रीडिंग करें, शौक भी होता है और अच्छी रीडिंग भी करते हैं, उनको गुड रीडर कहते हैं। शार्प, जो तेज़ तेज़ होते हैं, जैसे दायान, उन्हें कोई भी काम बोलो वो कितने फास्ट फास्ट कर देते हैं ना। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़हीन होते हैं, वैसे माशाल्लाह सब बच्चे ही बहुत ज़हीन होते हैं। रिजर्व्ड, बिल्कुल कोई शरारत नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, जो भी काम बोलो फौरन से कर देते हैं, अच्छे बच्चे। शाय, जो बहुत शर्माते हैं। क्रिएटिव, जिनका दिल करता है कुछ नया करें, न्यू न्यू आइडियाज़ होते हैं इनके पास। हार्ड वर्कर, जो बहुत मेहनत करते हैं। नॉटी, शरारती बच्चे, जो शरारती करते हैं। आपको पता है शरारती होना भी एक अच्छी बात है। जॉयफुल, ब्रेव, ऑनेस्ट, ईमानदार, जिन बच्चों को जो भी चीज़ दी जाए वो उसे संभाल के रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं और फिर वैसे ही रिटर्न कर देते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबसे ज़्यादा सादिक और अमीन थे, सबसे ज़्यादा सच बोलते थे और अमीन थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। काइंड, मेहरबान, मतलब किसी को चोट लग जाए या किसी की हेल्प करने में सबसे पहले पहले होना। पोलाइट, तो आपने इन वर्ड्स में से अपने लिए जो वर्ड्स आपके लिए ना, उनको चूज़ करके वन बाय वन यहाँ पर लिखते जाना है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लिखे, जो भी वर्ड्स हैं ना आपने खुद से चूज़ करके लिखना है। गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड आल्सो टेल देम अबाउट योर सेल्फ। Like, what you like, what would you like to eat, wear, play, etc. तो अब आप तो क्लास में नहीं हैं, आप तो घर हैं, तो आपको मैंने पहले भी टास्क दिया था और अब फिर से आपने ये एक्टिविटी कर लेनी है, एक प्रोजेक्ट है, फिर से आपने कर लेना है। अपने मामा बाबा को अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताना है, आपको क्या खाने में पसंद है, खेलने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन से खाने पसंद हैं। नेक्स्ट इज विजुअल, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट पेट। आपने ड्रॉ करनी है, बनानी है या फिर पेस्ट करनी है। कोई पिक्चर है तो वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे चिपका दें अपने फेवरेट पेट की। पेट किसे कहते हैं, जो हम घर में जानवर पालते हैं, जैसे कि किसी घर में कैट होगी, किसी के घर में डॉग, किसी के घर में गॉट, किसी के घर में पैरेट होगा, किसी के घर में पिजन होंगे। तो जो भी आपका फेवरेट है ना, तो वो आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ये आप लोगों का होम टास्क है।
आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी फेवरेट पेट की पिक्चर ड्रा और पेस्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़, सीएम अल्लाह।